हाँ जी भाई, क्या हाल? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन लिमिटलेस इंडियन। मैं आपका भाई जसप्रीत, ये हमारी कमो रानी कमैरो, पर ये वो वाली कमैरो भाई जो मेरे पास आज से 2 साल पहले थी। ये अभी हमने रिसेंटली इस गाड़ी को चालू किया, प्लेट देख सकते हो 13 जाट नहीं है भाई। अगर आप गाड़ी की बॉडी देखोगे थोड़ी सी डिफरेंट है। आज हम जा रहे हैं अपनी ट्रिप पे। ट्रिप पे जाने से पहले एक बात बता दूंगा भाई, ये गाड़ी भी अपनी है, निसान की माइक्रा, और आज इसे लेकर जा रहे हैं हम यार्ड पे, क्योंकि भाई यार्ड पे जितनी छोटी गाड़ी हो उतना गंद, कहते हैं ना वहाँ पे मिट्टी धूल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं नहीं चाहता अपनी प्यारी गाड़ियों को मैं सराउंड करना। तो दिखा दूँ भाई, सामान हमने रख दिया है इस बैग में, मेरा सारा सामान है, पासपोर्ट वगैरह और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मेरा आईपैड, मेरा स्कूटर, और भाई अंदर चलते हैं अब गाड़ी के और करते हैं ट्रिप को शुरू। तो भाई ये है मेरी निसान माइक्रा, ये इंडिया में भी है भाई गाड़ी, और मेरा जो इस गाड़ी को लेने का मकसद था या रीजन था वो यही था कि भाई इंडिया जैसी गाड़ी यहाँ पर मिले, यहाँ पर स्टीयरिंग होता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग होता है, पर भाई एट द एंड ऑफ द डे इंडियन चीज इंडियन ही होती है भाई। ये गाड़ी हमारी फैमिली में थी, हमने ये गाड़ी चलाई हुई है इंडिया में, इसलिए मैंने ये गाड़ी ली थी। आई थिंक मैंने 2016 के अगस्त के महीने में ये गाड़ी ली थी, अराउंड इसको हो गए फिर 4 साल से ये गाड़ी मेरे पास है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। और भाई देख लो चाबियों का जंजाल इसी में मेरी गाड़ी की चाबी है, इसी में मेरे ट्रक की चाबी है, इसी में मेरे जिम का कार्ड है, घर की चाबी, जो भी लाइक ओवर लटरम शटरम, ये भाई बोटल ओपनर तो भाई चाबी लगा देते हैं और देखते हैं भाई कैसे स्टार्ट होती है। लो भाई गाड़ी चल चुकी है 1,17,895 किलोमीटर, तो राउंड लगा लो कि भाई 1,20,000 के आसपास ही गाड़ी चल चुकी है। और भाई गाड़ी की कंडीशन देखो, गाड़ी की कंडीशन अगर आप देखोगे ना तो लाइक लगता है कि हाँ भाई सिर्फ टायरों को छोड़ के टायरों को थोड़ा बहुत जंग लगा, और भाई बॉडी गाड़ी की कोई डेंट नहीं, कोई फालतू स्क्रैच नहीं। और ये भाई देखो क्या बात है, यानी पंजाबी में लाइन लगवा रखी है गुरु नानक यार गरीबा था, तो ये मेरे घर वाले अक्सर ये भी लाइन अपनी गाड़ियों में लगवाते थे, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट तुम्हारे भाई ने भी लगवा ली है। हमारा स्कूटर बड़ा भाई दिल्ली का शूटर है मेरा स्कूटर। तो भाई अब चलते हैं, गाड़ी हो चुकी है थोड़ी सी गर्म, तो ये ऑफ कोर्स ये गाड़ी भाई ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, शीशा करते हैं साफ। चल भाई बन गई बात, अब धीरे धीरे निकाल देंगे। वो हमारी कमैरो खड़ी भाई, कमैरो हमारी तरफ देख रही है कि मुझे भी ले जा, पर सॉरी बेब वहां पर आप गंदी हो जाओगी तो यहां से निकाल देंगे भाई। निकालने के बाद सबसे पहला काम जो है ना भाई, यहाँ पर मुझे लगानी है ऑक्स। ये भाई ओल्ड स्कूल गाड़ी है, पूरी ओल्ड स्कूल गाड़ी, यहाँ पे लगाएंगे ऑक्स, उसके बाद जब वीडियो बनानी मैं एंड कर दूंगा तो भाई गाने सुनेंगे यार्ड तक। तब सबसे पहला प्लान ये है कि भाई घर से निकल चुके हैं, ये हमारा एरिया जिस एरिया में तुम्हारा भाई रहता है, मस्त है ना, घर बार कैसे लग रहे हैं सच सच बताना भाई। भाई साहब कॉफी तो हमें मिली नहीं, पर हाईवे पे चढ़ चुके हैं, और भाई हाईवे पे अगर आप देख सकते हो यार कैसे ट्रैफिक सुबह का, अराउंड सुबह के 7:30 बज चुके हैं, और 7:30 बजे आप देख सकते हो भाई हर एक बंदा हर एक दुनिया अपने अपने काम पे निकली हुई है, और ये गाड़ी छोटी होने की वजह से अगर आप देख सकते हो भाई हाईवे पे कैसी आवाजें कर रही है तो थोड़ा सा भाई पीछे रहेंगे इनसे, और मिलते हैं आपको अपने ट्रक के यार्ड में जाकर। तो हाँ जी भाईयो, यार्ड में पहुंच चुके हैं। यार में पहुंचने के बाद भाई गेम ऐसी है कि यहाँ से ट्रेलर नहीं हमने उठाना, ट्रेलर हमने किसी और जगह से उठाना, यही हमारे को फायदा हो गया। बढ़िया भाई, अब प्लान ये है कि अपना ट्रक ढूंढते हैं भाई कहाँ पे है। ये रहा भाई अपना ट्रक 2039, यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा देंगे, ट्रक में सामान डाल देंगे और भाई फिर करते हैं अपनी ट्रिप कंटिन्यू। हाँ जी भाई, ट्रक अपना रेडी है और भाई ट्रक के अंदर चलते हैं, अब ट्रक को करते हैं स्टार्ट, गाड़ी को करते हैं उसके बाद पार्क। आ जाओ भाई, अरे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ यार, चलते हैं ट्रक के अंदर। और भाई ट्रक में ना पूरा खलारा मचा हुआ देख लो भाई, छोटे मोटे सामान का, क्योंकि बात ऐसी होती है जब हम आते हैं ट्रिप से वापस उस टाइम पे भाई पूरी कहते हैं ना आलस ही होती है भाई, यहाँ से सामान उठाओ निकलो घर को और इंजॉयमेंट शुरू करो। ट्रक को कर देते स्टार्ट, तो इसका तेल पानी चेक करने के बाद ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कई भाई पूछेंगे कि भाई आपने तेल पानी तो चेक किया नहीं ट्रक का, वो जब गाड़ी पार्क करी है ना तभी उधर के कर लिया,
उसके बाद वीडियो वहां पर कैमरा रखे कंटिन्यू करी थी। तो भाई अब यहाँ से इस ट्रक को लेके निकलेंगे, उससे पहले थोड़ा सा मुझे पेपर वर्क करना, पेपर वर्क डन कर दूं। पेपर वर्क डन करने के बाद आपको पता है आपको कहाँ पे आना है। तो भाई साहब सारी सेटिंग हो चुकी है, अपनी गाड़ी को खड़ी कराते हैं। अब गाड़ी को खड़ी करने में लगेंगे 2 मिनट। तो भाई साहब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बड़े फायदे हैं यार। अपना ट्रक भी ऑटोमेटिक, गाड़ी भी ऑटोमेटिक, पूरी चल, गियर डालने का टेंटा ही खत्म। गाड़ी कर दी है पार्क। गाड़ी पार्क करने के बाद भाई यहाँ बीच बीच में से निकल जाएंगे हम। ये भाई साहब गाड़ी का रिव्यू जल्दी करेंगे, ये भाई ने पूरी चमका के लगा रखी है। ये अपने भाई अर्श की गाड़ी है, जल्दी करेंगे भाई इसका भी रिव्यू। अभी हम जाएंगे यहाँ से बीच बीच में से निकलते हुए, कहते ना चोर रास्ता। यहाँ से अबे 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 कूदना पड़ रहा है भाई साहब, यहाँ से चलेंगे। चलो भाई, चलो भाई, तब चलते हैं भाई, ट्रिप अपनी करते हैं कंटिन्यू। कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है भाई, चैनल को सब्सक्राइब मारने में कोई कंजूसी नहीं, वीडियो को लाइक मारने में कोई कंजूसी नहीं। हाँ जी भाइयों, लोड हमने उठा लिया है, ट्रेलर जोड़ लिया है, ट्रक अपना रेडी टू गो है, प्री ट्रिप कर ली है भाई, ट्रक बिल्कुल एकदम सेट है, रीफर चेक कर लिया, लाइन्स लगा दी, ये लैंडिंग गियर होता है भाई, इसे हमने ऊपर उठा दिया ताकि ये कहीं किसी जगह पर लग के टूटे फूटे ना। अगर भाई डीजल की बात करें इस टैंक में, भाई डीजल फुल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टायर बिल्कुल सेट कर दिए हैं इसके, टायर ऑलमोस्ट कहते हैं ना जहाँ पर होने चाहिए वहाँ पर ही है। और अब बात करते हैं भाई ट्रेलर के पीछे, अगर बात करें भाई दोनों ये जो डोर लॉक्स हैं प्रॉपर लगा दिए हैं, सीले लगा दिए हैं भाई। अब शुरू करते हैं अपनी ट्रिप और चलते हैं ट्रक के अंदर। हाँ जी भाई, वो ट्रक स्टॉप पे रुके थे, ट्रक स्टॉप पर रुकने के बाद मुझे लगा यार भाई अमेरिका के खेत वगैरह दिखाए जाए भाइयों को, भाई चेक करो भाई यहाँ पे हम पहले भी रुक रखे भाई। अरे भाई बहुत ज्यादा भाई भाई हो गया है, पर चलो कोई बात नहीं है, मक्की के खेत है भाई, यहाँ पे सारी मक्की ही मक्की दिखेगी आपको दूर दूर तक, लाइक बहुत ज्यादा बड़ी तादाद पे यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। और भाई ट्रक स्टॉप पे ना आज तो लाइनें लगी हैं, क्योंकि आज है भाई मंडे पर भाई, और मंडे को आप सभी को पता है कि मंडे को होता है वीक डे, दिन होता है शुरू, वीक होता है शुरू। हर एक भाई, चाहे वो मेरा ट्रक हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो वहाँ पर हो, चाहे वो गाड़ी वाले हो, कोई भी हो ना, हर एक इंसान निकल चुका है भाई अपने अपने कारोबार करने के लिए, काम वगैरह करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर साला इतना फर्क नहीं पड़ा भाई कोरोना करोना का, हालांकि कोरोना के चक्कर चल रहे हैं, चलो दैट्स ओके, वो साइड बाय साइड है, पर काम कार दुनिया का बिल्कुल भी नहीं रुका। आपके सामने ही है, डेढ़ कितने, ढाई महीने में हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए बिकॉज ऑफ दिस ट्रक भाई। इस ट्रकिंग का बहुत ज़्यादा हाथ है उसके बीच में, और आप सभी का बहुत बड़ा हाथ है यार, थैंक यू सो मच आप सभी का। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियोस को आपने लाइक मार रखा है, सिर्फ आपकी वजह से ही हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंची, हमारा चैनल ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, और हमारी ये कहते हैं ना एक ट्रकिंग है जो कि हिंदी व्लॉगिंग सीन में बहुत कम, क्या लाइक ना के बराबर है, एक आधा ही होगा, होगा भी तो भाई मिसिंग थी। और तुम्हारा भाई वन ऑफ द बेस्ट पंजाबी ट्रकिंग व्लॉगर था मैं, और आज हम भाई वन ऑफ द बेस्ट इंडियन ट्रकिंग व्लॉगर बन चुके हैं भाई, सिर्फ आप सभी की वजह से। थैंक यू सो मच, न्यू दिल्ली से हूँ मैं, न्यू दिल्ली जितने मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू गाइज, है ना, जितने मेरे भाई जो अगर आप मेरे साथ स्कूल में पढ़े थे, लव यू, थैंक यू सो मच। तो अब चलते हैं भाई ट्रक के अंदर, ट्रिप को करते हैं कंटिन्यू। अराउंड 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव रह गई है बॉर्डर की, बॉर्डर पहुँचते हैं और इस शेर को, और इसके साथ जो ये शेरनी लगी हुई है पीछे ट्रेलर, दोनों को लेके जाएंगे और जाकर भाई यूएसए में जाकर करेंगे डिलीवरी। आज जा रहे हैं इंडियाना, सो एबर्न इंडियाना नाम से जगह जहाँ पर आज हम जा रहे हैं। और दिन जो है ना आज, मतलब भगवान कह रहा है कि आज बना ले व्लॉग, 6-7 दिन हो गए कमीने, व्लॉग बना ले। तो हम यहाँ से ना यहीं से चढ़ जाएंगे ट्रक के अंदर, और ट्रक मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, ट्रक में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है लास्ट 2 वीक, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है मेरा काम यार भाई। कहते ना सिर्फ खाने पीने का टाइम होता है, ये देख लो ये तरबूज खा लिया, फ्रूट खा लिया, थोड़ी बहुत रोटी खा ली, बस दैट्स इट, उसके अलावा तो भाई पूरी घिसाई चल रही है काम की। समर है, गर्मी है, आपको पता है यार गर्मियों के बाद
सर्दियां आ जाती है यहाँ पे, स्नो आ जाएगी, उसके बाद काम हो जाता है थोड़ा सा स्लो। सो मैं चाहता हूँ गर्मियों में जितना खींच सके उतना बढ़िया ब्रो। बेस्ट ऑफ लक भाई, ट्रिप पे जा रहा है भाई हमारा ना, कमेंट कर दो भाई के नाम पे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रिप माय मैन। ट्रैफिक वेस्ट इंक कंपनी है भाई की। एक और भाई आ गया, क्या बात है भाई साहब, सारे बंदे आज काम खींच रहे हैं। हाँ जी भाई, वो बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं और ये लेन है ट्रक वाली, अगर आप देख सकते हो उसी लेन में हम इस टाइम हैं। और भाई साहब पहले कटाएंगे टोल, उसके बाद चलेंगे भाई बॉर्डर पे, अमेरिकन बॉर्डर पे। इस टाइम कनाडा में है जैसे कि आप सभी को पता है भाई, रोड्स जो है ना ऐसी बना रखी है इन्होंने, मक्खन मक्खन मलाई। ये देखो भाई ट्रक, ये जिंदगी के नजारे लेते हुए यहाँ पर हम आपके भाई जसप्रीत लिमिटलेस इंडियन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई साहब ट्रक रूट जो कि होता है इस लेन में, इसमें हम जाएंगे जाकर टोल कटवाएंगे दोस्तों। टोल कटवाने के बाद हम उस पुल पे चढ़ेंगे और आज का ये पुल है ना भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको, मजा लाइक एंड लग जाएगा, एंड मतलब बेस्ट चीज लाइक एकदम बढ़िया एकदम मस्त। और खाली हो माँ कसम नजारा आ जाएगा, लाइन अप ना हो यार भाई साहब, पुल खाली है, बॉर्डर पे जल्दी एंट्री मिल जाएगी आज, आज बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे, तो टोल की लाइन भी खाली है दोस्तों। चलिए तो कैसे हैं आप लोग? अरे भाई 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 भाई, यहाँ नहीं यहाँ नहीं, हाँ यही रहता हूँ ना, इस लेन में रहता हूँ। ये भाई साहब मेरी जगह लेने के चक्कर में था ये वाला ट्रक वाला, सोच रहा था फटाफट एक राइड मारूंगा यहाँ आ जाऊंगा, आने देता हूँ रुक जा तुझे भाई साहब। उसके भी नजारे भाई, वो लेन के ये लेन, वो लेन के ये लेन, ये लेन टोल कटा लूं, टोल के बाद मिलता हूं भाई। हाँ जी भाई, टोल हो चुका है पेड, और टोल पे करने के बाद कोई पार्किंग नहीं, कोई ड्यूटी फ्री नहीं, ये कनेडियन बॉर्डर है भाई, अगर आप देखना चाहते हो वो साइड पे ट्रक जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं अपनी बारी की वेट कर रहे हैं, ये चाहते क्या है। तो अब हम अपनी लेन में आ जाएंगे, और भाई साहब सच बता रहा हूँ, वन ऑफ माई बेस्ट पुल है ये, वन ऑफ माई बेस्ट पुल, वन ऑफ द बेस्ट बॉर्डर लगता है मुझे, शांति, कोई ज्यादा जाम नहीं होता, बहुत कम चांस होता है यहाँ पे जाम हो। तो भाई लास्ट वीडियो में अगर आप मेरे पंजाबी चैनल में मुझे फॉलो करते हो आपने ये पुल जरूर देखा होगा, इसलिए मैंने कहा यार, मैं कहा आज अगर यार हिंदी चैनल में भी जा रहे हैं तो भाई हिंदी चैनल में भी डाल देते हैं कि उन्होंने मेरा कोई लेके खा रखा है, या उन्होंने क्या कोई गुनाह कर रखा है हिंदी बोलने वालों ने या सुनने वालों ने जिन्हें मैं ये पुल ना दिखाऊं। ये है भाई साहब ब्लू वाटर ब्रिज। सो ब्लू वाटर ब्रिज की खासियत यह है कि सारा यहाँ पे ब्लू वाटर है, बहुत बड़ी लेक है, पानी बिल्कुल ब्लू है, और ये जो पुल अगर आप देख सकते हो ना भाई, वो यहाँ पर चढ़ के जाना तो बस ऐसे लगता है कि बस गए, देख रहे हो ऐसे लग रहा है कि बस एक गलती की और पुल से नीचे, वो जहाज जा रहा पानी वाला, भाई साहब क्या बात है। और तुम्हारे भाई को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, और इसी डर की वजह से, इसी डर के कारण मैं इस पुल पे आना कम पसंद करता हूँ दोस्तों। ये देखो, ये है कनेडा की साइड, ये सारा साइड जो है ना लेफ्ट साइड में सारी कनाडा भाई, उसके बाद आता ब्लू वाटर जहां से नदी लेक नहर कुछ कह लो, यहाँ पे हम पुल पे जा रहे हैं, वहां से दूसरा भाई जा रहा है ट्रक पे, और हम एंटर हो चुके हैं प्योर मिशिगन। सो वेलकम टू यूएसए, मिशिगन के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया पुल है, बहुत ही बढ़िया यहाँ से व्यू है भाई, अगर आप देख सकते हो ना और एक्सपीरियंस कर सकते हो मेरी नजरों से। और उसके बाद ये है जी यूएसए, यूएसए के बहुत सारे लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, नजारे ले रहे हैं जिंदगी के, और अब इसी लेन में रहेंगे। ट्रक ओनली लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर सिर्फ ट्रक जा सकते हैं, यहाँ पे बस और फास्ट कार वाले उस साइड में गाड़ी वाले। अब मेरा प्लान ऐसा है कि भाई वहां पर थोड़ी सी लाइनअप है, अगर लाइनअप ना हो तो मैं पहले रोक कर अपना रीफर बंद करता हूँ। रीफर होता है भाई, वो ट्रक का जो ट्रेलर है पीछे लगा हुआ, उसके अंदर एक फ्रिज लगा होता है, जो खाना पीना जो भी कुछ होता है ना जो ट्रेलर के अंदर हम लेके जा रहे हैं उसे वो ठंडा रखता है, जमा के रखता है, तो उसे कहते हैं रीफर। अब बात करते हैं जब भी हम बॉर्डर पे जाते हैं ना, जैसे आगे अगर आप देख सकते हो ये बॉर्डर की तरफ ट्रक जा रहे हैं, ये ट्रक कनाडा की तरफ जा रहे हैं, सो ये बॉर्डर पे जब हम जाएंगे वहां पर जब हमने ऑफिसर से बातचीत करनी है इस विंडो से है ना, जो कि आप अभी देखेंगे इस कैमरे से, तो उस टाइम पे हमें अपना इंजन जो है ना बंद करना होता है, इंजन बंद करना होता है। उसके बाद बात आ जाती है कि जो रीफर होता है ना उसमें भी एक इंजन लगा होता है जिसे हमें उतर के बंद करना होता है, ताकि जब हम ऑफिसर से बातचीत करें, जो ऑफिसर है बॉर्डर सिक्योरिटी का जो ऑफिसर आ गए, जब हम उससे बातचीत करें उस टाइम पे उसे ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो दोनों इंजन से, लाइक दोनों, वो एक छोटा इंजन लगा, ये बड़ा ट्रक का इंजन है, दोनों की आवाज से
उस ऑफिसर को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। सो इसीलिए हम रीफर को बंद करते हैं। बहुत सारे भाई पूछते हैं, हर बार कमेंटों से भरा होता है भाई मेरा यूट्यूब चैनल, के भाई रीफर क्यों बंद करते हो, रीफर क्या होता है। सो रीफर होता है ट्रेलर में लगा हुआ छोटा सा फ्रिज जो चलता है एक इंजन से, छोटी मोटर से। सो भाइयों अब वेटिंग चल रही है, वेटिंग पूरी करते हैं, पहुंचते हैं विंडो। हाँ जी भाइयों, तो अब हम पहुंच चुके हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया रेस्ट एरिया पे। ट्रक हमने लगा दिया अपना, और भाई आज का जो दिन चढ़ा ना भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये देखो भाई ग्रीनरी, ग्रीनरी में यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं। ऐसे होते हैं रेस्ट एरिया, रेस्ट एरिया के अंदर वॉशरूम वगैरह होता है भाई, सब कुछ लाइक सारे साजो सामान आपको मिल जाते हैं भाई। जब कभी आपको ब्रेक लेना है और अगर आपको लगता है कि रात यहाँ पे गुजारनी है पार्किंग में, तो आप पार्किंग में अपना ट्रक या अपनी कार लगा के यहाँ पे आराम कर सकते हो। तो भाई हम जा रहे हैं अंदर रेस्ट एरिया के, यहाँ पे लगी है वेंडिंग मशीनें, यहाँ से भाई अगर आपको ड्रिंक्स वगैरह लेनी हो, कुछ खाने पीने की चीज़ लेनी हो भाई, तो फ्रेश कॉफ़ी भी बनवा सकते हो। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। तो इस तरीके का लेआउट मिल जाता है आपको। यहाँ पे पानी पीने का फाउंटेन है, जो कि भाई साहब देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी है मिशिगन का, बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। तो भाई साहब वॉशरूम यूज़ करने के बाद हम चलेंगे, और जाने का तो मैं इस साइड पे भी जा सकता हूँ जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा अक्सर आगे यहाँ पे खड़ी होती हैं, इस साइड पे भी घुमा के लाता हूँ आपको। सेम चीज़ है, जैसे वहाँ पे आपको वेंडिंग मशीन्स है वैसे ही यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स हैं, और इस तरीके की पार्किंग है यहाँ पे, और पार्क है भाई यहाँ पे, अपने कुत्ते वगैरह को खिला सकते हो, पार्किंग दी जाती है यहाँ पे गाड़ियों की इस साइड पे। और भाई साहब अगेन ग्रेट अमेरिकन फ्लैग कहते हैं ना, लहरा रहा पूरा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलते हैं भाई अपने ट्रक की तरफ, क्योंकि अपने भाई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, जल्दी जल्दी से लोड पहुँचाना है, जल्दी जल्दी जाना है। और भाई आज जहाँ तक मुझे लगता है ना, थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा हमें चिल मारने, क्योंकि अपनी जो पिकअप है अगली पिकअप आ चुकी है, जो कि हमने करनी है शिकागो से। सो शिकागो से करना है अगला लोड पैक, ये लोड हम लेके जा रहे हैं स्टम एबर्न इंडियाना। सो भाई साहब इसकी ये जो अगर आप देख सकते हो ना, ये ट्रक ट्रेलर, ये लोड जाएगा एबर्न इंडियाना में, इसकी डिलीवरी वहाँ पर होगी। और दिन देख रहे हो, बहुत अच्छा दिन चढ़ा यार आज। तो चलते हैं भाई अपने ट्रक की तरफ, यहाँ पे और भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं भाई, कैंपर वैन्स, यहाँ पे भाई काम कर रहा है, यहाँ सिटिंग एरिया मस्त है यार, यहाँ पे जाके बैठ जाओ आराम से, पकाते रोटी पानी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। चलते हैं ट्रक के अंदर। हाँ जी भाई, अब हम पहुँच चुके हैं अपनी डिलीवरी की लोकेशन पे, डोर वाली जगह पे लगा दिया भाई, अब जरा ये उतार लेंगे, लो जी इससे काट देंगे ट्रेलर के पे जो सील लगी होती है ना, जब हम लोड लेके आते हैं वो सील इससे काट देंगे। ये वाली सील काटेंगे भाई अब। लोड है भाई जो हम लेके आए हैं, अब ये है कि क्रसांट ब्रेकफास्ट करने वाली चीजें होती हैं, इसे रख देंगे अब यहीं। तो भाई हो, ट्रेलर हमने बैग लगा दिया पूरा, टायर पूरे बैग में कर दिए हैं, अब ये है कि करेंगे लोड पर, सॉरी अनलोड। अब अनलोडिंग से पहले बात ऐसी है कि ट्रक और ट्रेलर दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा भाई, तो उसके लिए बात ये है कि इसे रख देते हैं यहाँ पे भी फॉर नाउ, इसे उतार देंगे बिल्कुल नीचे, ठीक है जी, इसे कर दिया हमने पूरा नीचे, उसके बाद एक एक करके उतार देंगे, एक
यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसको लगा देंगे यहाँ पे, उसके बाद तीसरे वाले को लगा देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद भी हमारा काम खत्म नहीं होता। लैंडिंग गियर उतार दिया, अपनी जो एयर सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई उतार दी, ये होता है हमारा फिफ्थ व्हील, राइट। फिफ्थ व्हील पे लगा होता है एक लॉक, इसे अब हमने यहाँ से पकड़ के ऐसा खींच देना। चल भाई, ये लॉक खुल गया, उसके बाद आप यहाँ बैठो। ट्रेलर छोड़ दिया यहाँ पे, अब ट्रक में चलेंगे। हाँ भाई, अब अगला प्रोसेस ऐसे है कि भाई वहाँ पे जाना, हमने वहाँ पे जाके जो हमें इन्होंने पेपर वर्क दिए हैं, कहाँ गए वो पेपर वर्क, ये दे, ये जाके उन्हें देने हैं और वो फिर हमारे कराएंगे अनलोडिंग। और जब तक हमारा जो ट्रेलर अनलोड नहीं हो जाता तब तक हम इसे टच नहीं कर सकते। भाई हो, लोड हमने उतरने के लिए छोड़ दिया और अब ट्रक को लगा दिया साइड पे। और यहाँ पे चेक करो भाई, हमारे यहाँ पे ट्रक देखो कितना मस्त लगा रखा भाई ने, क्या बात है भाई साहब, भाई पूरा अच्छा पैसा खर्चा लग रहा भाई। ओ हो, ये देखो भाई इसके क्या बात है भाई साहब, बंदे ने ट्रक एक नंबर बना रखा है, कुछ भी कहो। ये देखो, ओए, ये अपना ट्रक है भाई, जाली था एक इस भाई का ट्रक है, क्या बात है भाई साहब, मस्त ट्रक है एक नंबर। तो भाई अब ये है कि अपने ट्रक को हमने लगा दिया इधर, करेंगे इसकी साफ सफाई और करेंगे यहाँ पे आराम। हाँ जी भाई, और डिलीवरी के बाद हम पहुँच चुके हैं शानदार लव के ट्रक स्टॉप के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे ट्रक खड़े हैं ऑलरेडी। हमने कल के लिए डीजल वगैरह फिल करा लिया है, सब कुछ रेडी टू गो है। और भाई यहीं पर कहीं पर पार्किंग लगा के आज की रात करेंगे यहीं पर विश्राम। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगा हो चैनल को मार देना सब्सक्राइब। पीस आउट।